नमस्कार, मैं गीता गाड़ी, स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक पर संपूर्ण लॉकडाउन की छाया, रामदेव गली में पुराना पेड़ गिर गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र को आर्थिक सहायता। हीरे बागेवड़ी के पास ऑक्सीजन टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। विधायक अनिल बेनके जी ने किया राकसकोप जलाशय का निरीक्षण। सरकार द्वारा जारी नियमों का सख्ती से पालन करने की सूचना। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। विस्तृत समाचार। कर्नाटक सरकार ने राज्य में सार्वजनिक कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस बीच जनता कर्फ्यू का अपेक्षित प्रभाव नहीं देखा गया है, इसलिए सोमवार से अगले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन जारी करने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने शुक्रवार सुबह कोरोना पृष्ठभूमि पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। यह पता चला है कि मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने राज्य में कोरोना नियम लागू करने पर विशेष चिंता की है। विशेषज्ञ समिति मंत्रियों और विधायकों के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद सोमवार से सख्त लॉकडाउन जारी करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए विपक्षी कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। रामदेव गली में पुराना पेड़ गिर गया। रामदेव गली से केलकर बाग तक की सड़क पर एक पुराना पेड़ गिर गया। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हुआ और नागरिकों ने राहत की सांस ली। यह घटना गुरुवार सुबह रामदेव स्ट्रीट में केलकर बाग में हुई। हालांकि वर्तमान में लॉकडाउन के दौरान लेन देन बंद है। पेड़ गिरने से बिजली की लाइनें टूट गई। हेस्कॉम के कर्मचारियों ने पेड़ की शाखाओं को सुरक्षित अलग किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र को आर्थिक सहायता। बांदूर गली गणेशोत्सव और शिव जयंती गणेशोत्सव मंडल और मरगाई देवस्थान ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र को 51,000 की सहायता की है। बांदूर गली गणेशोत्सव मंडल ने बेलगाम के अन्य गणेशोत्सव मंडल से अपील की है कि वे इसका पालन करें। आज समुदाय के उदार लोगों ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कोविड केंद्र को जाकर मदद का हाथ बढ़ाया है। उनके अलावा सतीश तेंदुलकर, जयराज मोदगेकर, किरण मोदगेकर, डॉक्टर मधुरा गुरव, बाजीराव अतिवाड़कर, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ठेकेदार सुरेश रेडेकर, विनायक गुंजटकर, राजू बिरजे, दिनेश रावल, प्रशांत भातकांडे, इन्होंने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है। हीरे बागेवड़ी के पास ऑक्सीजन टैंकर दुर्घटनाग्रस्त। बेलगाम से ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर का हीरे बागेवाड़ी के पास हादसा हो गया। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। सौभाग्य से दुर्घटना में कोई ऑक्सीजन क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। हीरे बागेवाड़ी पुलिस मौके पर नजर रखे हुए है। बेलगाम समेत हर जगह ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे वक्त पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है, ऐसा लोगों का मानना है। विधायक अनिल बेनके जी ने किया राकसकोप जलाशय का निरीक्षण। शहर को जल पुरवठा करने वाले राकसकोप जलाशय में पानी उपलब्ध है, इसलिए 15 जून तक शहर को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राकसकोप जलाशय और हिडकल जलाशय में पर्याप्त पानी उपलब्ध है, फिर भी यह पानी सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसी सूचना विधायक अनिल बेनके जी ने की है। अनिल बेनके जी द्वारा बोर्ड के अधिकारियों के साथ राकसकोप जलाशय का दौरा किया और निरीक्षण किया। जलाशय में उपलब्ध पानी का भंडार, पानी दैनिक उपयोग, भविष्य में पानी की आपूर्ति और अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई। सरकार द्वारा जारी नियमों का सख्ती से पालन करने की सूचना।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल जी ने बेलगाम के बारे में ज्यादा ध्यान रखा हुआ है। राज्य सरकार को बेलगाम जिले में कोरोना से पीड़ित रोगियों को ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले के हालात का जायजा लेने के बाद अधिकारियों से बैठक की। बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती, सांसद मंगला अंगड़ी, विधायक और जिलाधिकारी डॉक्टर के हरीश कुमार, बीम्स निर्देशक डॉक्टर विनय दस्ती को जिला स्वास्थ्य अधिकारी शशिकांत मुनियार उपस्थित थे। कारजोल जी ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार को श्रृंखला को तोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि कोरोना रोड मैप के उल्लंघन के लिए अधिकारी, कर्मचारी या नागरिक के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए जाए, ऐसा उन्होंने सूचित किया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनू रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4 लाख से अधिक नए मरीज मिले हैं। 3,915 कोरोना पीड़ितों ने अपनी जान गंवाई है। लगातार दूसरे दिन 24 घंटों में कोरोना के रोगियों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना वायरस मरीज पंजीकृत किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि पिछले दिन की तुलना में नए मरीजों की संख्या में लगभग 2,000 की वृद्धि हुई है। 3,915 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। गुरुवार को भारत में एक ही दिन में कोरोना से मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। भारत में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 2,14,91,598 हो गई है। रायबाग में सार्वजनिक अस्पताल पर लोगों का हमला। रायबाग तालुका के सार्वजनिक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक पूर्व नगर पंचायत सदस्य सहित 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतक के गुस्साए परिजनों ने मरीजों पर उनका उचित इलाज नहीं करने का आरोप लगाया और एक डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश की। इस अस्पताल में 65 वर्षीय कारपोरेटर की गुरुवार को मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण रिश्तेदारों और नागरिकों ने उसकी मौत के लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया। इस बार कुछ समय के लिए तनाव था। मृतकों के रिश्तेदारों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। पुलिस के आने से स्थिति को नियंत्रित में लाया गया। वल्लभगढ़ का नाम सरकारी फाइलों में से गायब। हुक्केरी तालुका के वल्लभगढ़ का नाम कर्नाटक सरकार की किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है। सरकारी कार्यालय और वेबसाइट पर वल्लभगढ़ गांव का नाम दर्ज करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बेलगाम जिला कलेक्टर को एक अनुरोध पत्र भेजा गया है। 1968 के पंचायत अधिनियम के अनुसार वल्लभगढ़ गांव का नाम कर्नाटक सरकार की किसी भी फाइल में अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। मुंबई और बेलगाम गैजेट में भी वल्लभगढ़ गांव का उल्लेख है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी ने गढ़कोट की सुरक्षा के लिए कर्नाटक महाराष्ट्र स्वराज्य सीमा के साथ कई किले पुनर्निर्माण और निर्मित किए। संकेश्वर के पास वल्लभगढ़ का उल्लेख बखर में किया गया है, लेकिन कर्नाटक सरकार इस ऐतिहासिक जानकारी का रिकॉर्ड रखना भूल गई है। कंगराली गांव में कोरोना के बारे में जागरूकता की मुहिम। कंगराली खुर्द गांव की ग्राम पंचायत की ओर से कोरोना में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए तेजी से कार्रवाई की है। साथ ही बिना किसी सूचना के मुख्य सड़क पर चलने वाले नागरिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। चूंकि गांव शहर से थोड़ी ही दूर पर है, इसलिए हर दिन हजारों नागरिक गांव में आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गांव में 6 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित है और होम क्वारंटाइन और बहुत कम लोगों की जांच हुई है। गांव की आबादी लगभग 20,000 है
और अगर लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी और पूरे गांव को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सुरक्षितता के तौर पर नागरिकों ने अभी से जागरूक होना चाहिए, इसलिए जागृति मुहिम शुरू की गई है। यशवंत पाटिल, इनका निधन। घोटगाली तालुका खानापुर के निवासी और नंदगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी के निर्देशक 52 वर्षीय यशवंत धाकलू पाटिल, इनका गुरुवार को निधन हो गया। उनके पश्चात मां, पत्नी, दो बेटे, एक बेटी और एक भाई, ऐसा परिवार है। उन्होंने घोटगाली में 5 साल तक ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। घोटगाली कृषि पत्तिन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में निर्देशक थे। नारायण देवप्पा हलगेकर, इनका निधन। तोपिनकट्टी तालुका खानापुर के निवासी 55 वर्षीय सेवानिवृत्त जवान नारायण देवप्पा हलगेकर, इनका गुरुवार सुबह को 6 बजे निधन हो गया। उनके पश्चात दो बेटे और दो बेटियां, ऐसा परिवार है। रक्षा विसर्जन शनिवार की सुबह को है। सुभाष संतु बराटे, इनका निधन। कंगराली खुर्द के मार्कंडे हाईस्कूल के अंग्रेजी शिक्षक सुभाष संतु बराटे, इनका शुक्रवार सुबह 7 मई को निधन हो गया। उनके पश्चात मां, भाई, पत्नी और दो बेटियां, ऐसा परिवार है। एक कर्तव्य दक्ष शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। कोरोना में समय के दौरान उन्होंने ई लर्निंग के माध्यम से 10 छात्रों को अंग्रेजी सिखाई और उन्होंने समन्वयक के रूप में भी काम किया था। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।